हाय विद्यार्थियों, आज हम आप लोग को एक बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ाएंगे, लेंस। और ये ऑनलाइन क्लास जो है चल रहा है, बिकॉज परिस्थिति ऐसा है कि भारत में लॉकडाउन है, और उस लॉकडाउन की वजह से हम लोग कोई क्लास चल नहीं पा रहा है। सो हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि ऑनलाइन क्लास चलाया जाए। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि एक एक पॉइंट जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही आज आपको देखने को मिलेगा। आसानी से देखिए अपने घरों पे बैठे हुए। देखिए, आज का पॉइंट हम लोग का होगा लेंस। लेंस ध्यान से देखिएगा, लेंस किसे कहते हैं। पहले लेंस का डिफिनेशन बताते हैं, फिर इसके बाद लेंस के कितने प्रकार होते हैं, लेंस का क्या उपयोग होता है, इसके बाद लेंस को अलग अलग माध्यमों में डुबाते हैं तो क्या होता है, इनके अलावा लेंस मेकर सूत्र, लेंस के क्षमता, बहुत सारे पॉइंट है इसमें पढ़ने को। आइए हम लोग शुरू करते हैं लेंस। लेंस किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो के नहीं, ध्यान से देखिएगा, के नहीं दो गोलिये, देखिए इधर, दो गोलिये या एक गोलिये और एक समतल, एक गोलिये और एक समतल, किन्हीं दो गोलिये या एक गोलिये और एक समतल सतहों से या पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। कि नहीं दो गोलिये या एक गोलिये और एक समतल सतहों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। आइए देखिए इनको हम बताते हैं कैसे। कि नहीं दो गोली, एक बात आप लोग को स्पष्ट होगा कि गोलिये सतह किसे कहते हैं, यानी वैसा सतह जो गोल हो या फिर वो अंदर की ओर धसा हुआ हो या फिर बाहर की ओर उठा हुआ हो। दर्पण में हम लोग पढ़े होंगे कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका उठा हुआ हो उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। कहते हैं जी, सेम वैसा ही फीलिंग इसमें भी होनी चाहिए। गोलिये सतह की तो धसा हुआ सतह हो या फिर बाहर से उठा हुआ हो, कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, दो गोलिये सतह लेंगे और दो गोलिये सतह मिलाएंगे, उनसे लेंस का निर्माण होगा। देखिए कैसे, पहले दो गोलिये सतह हम लोग लेते हैं, ऐसे एक गोलिये सतह ये हो गया और एक गोलिये सतह ये हो गया। देखिए दोनों, एक तो इधर से है और एक इधर से, ऐसे जो पहली खींचे थे इसका तो वक्रता त्रिज्या इधर होगा, इस तरफ होगा, चूंकि प्रधान अक्ष खींच देंगे तो इधर वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और एक और इसे मिलाकर के इसके विपरीत खींचते हैं तो इसके लिए तो ये इधर जाएगा, जाएगा ना, यानी वक्रता त्रिज्या उसका उधर होगा। अभी फिलहाल वक्रता त्रिज्या का जिक्र नहीं करते, पहले लेंस का डिफिनेशन देख लीजिए। तो दो गोलिये, एक इधर से हो गया और एक इधर से, दो गोलिये सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम, यानी इनके बीच का ये जो भाग है, ये पूरा भाग, ये पारदर्शी होना चाहिए, जिसको प्रकाश पार कर जाए, दूसरे तरफ आ जाए। तो दो गोलिये सतहों से घिरे किसी पारदर्शी माध्यम, अब ऐसे बनाइए तो ऐसे बना दिए तो ये हो गया उत्तल, और वैसे ही दो गोलिये सतह लेंगे, एक इधर से और एक इधर से, देखिए ऐसे बना दिए, दोनों सतह गोलिये था, दोनों को एक दूसरे से ऐड कर दिए, इनके भी बीच के जो माध्यम है ये बीच वाला टोटल, ये पारदर्शी होना चाहिए,
यदि ये पारदर्शी है तो जो भी प्रकाश की किरणें इस एक माध्यम से इसमें जब दूसरे में प्रवेश करेगी, लेंस में प्रवेश करेगी, तो इससे अपवर्तन की घटनाएं आसानी से हो सकती है। इसलिए इसके बीच का माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। ऐसे दोनों गोलिये ले लिए, यहां दोनों लिए थे और यहां भी दोनों। तो इस प्रकार लेंस का डिफिनेशन देंगे हम लोग कि नहीं दो गोलिये, या देखिए अब इसमें ये भी बाकी रह गया, एक गोलिये और एक समतल। तो जब लेंस के प्रकार पढ़ेंगे ना तो उसमें हम आप लोग को बता देंगे, वहां दिखा देंगे कि एक गोलिये और एक समतल लेकर के इस प्रकार लेंस का निर्माण किया जाता है। तो सिंपल लेंस किसे कहेंगे? तो किन्ही दो गोलिये या एक गोलिये और एक समतल पृष्ठों से घिरे सामांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, लेंस के प्रकार ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस के प्रकार, लेंस के दो प्रकार होते हैं। लेंस के कितने प्रकार होते हैं जी? दो। देखिए लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बाबू अवतल लेंस। कौन सा लेंस जी? अवतल। देखिए अवतल लेंस पहला होता है, कॉनकेव लेंस, और दूसरा होता है उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है उत्तल और पहला अवतल। लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। आइए इनका डिफिनेशन बता दें। यहां देख रहे हैं आप लोग, उत्तल और अवतल लेंस किसे कहेंगे? तो देखिए यदि उत्तल लेंस का निर्माण करना हो तो इस प्रकार निर्मित करेंगे, वैसा लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो। दोनों किनारा यहां देखिए या फिर यहां देखिए, दोनों किनारा देखिए, पतला है और बीच का भाग मोटा है, किनारा पतला है और बीच का भाग मोटा है। तो ये कंडीशन जो होगा किसमें होगा? उत्तल में। किसमें होगा जी? उत्तल में। यानी वैसा लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो उसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। और जस्ट इसके विपरीत डिफिनेशन दे सकते हैं, वैसा लेंस जो किनारे पर मोटा हो, किनारे पे कैसा हो जी? मोटा हो और बीच में पतला। यहां और यहां देखिए मोटा है और बीच में क्या है? पतला है। तो किनारे पर मोटा हो और बीच में पतला हो तो इस लेंस को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। चलिए अब इन दोनों के भी प्रकार होते हैं, अवतल लेंस की भी मुख्यतः तीन ही प्रकार होते हैं और उत्तल के भी तीन ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं चार भी लिख देता है। आपको बताएंगे कैसे होता है वो चार, उसको बताएंगे, लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं जी? तीन। अवतल लेंस के भी तीन प्रकार और उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार। आइए वो देखिए कैसे है। अवतल लेंस के जो तीन प्रकार होते हैं उसको देखेंगे, एक होता है द्वि अवतल बाई कनकेव, दूसरा होता है समतलावतल। ध्यान से देखेंगे, समतलावतल प्लेनो कनकेव, और तीसरा होता है उत्तलावतल कन्वेक्सो कनकेव, द्वि अवतल, समतलावतल और उत्तलावतल, बाई कनकेव, प्लेनो कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव। अब देखिए इसी के एक और पार्ट्स बना दिए, द्वि अवतल के दो भाग बना दिए जाते हैं, उसको भी हम बताएंगे कैसे ये दो भाग होते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले द्वि अवतल लेंस किसे कहेंगे? अच्छा बाबू, द्वि अवतल का
यदि हम लोग संधि विच्छेद करें, ध्यान से देखिए एकदम सिंपल, तो ये हो जाएगा अवतल, द्वि माने दो, अवतल अवतल प्लस अवतल, अवतल प्लस अवतल, दोनों सतह कैसा हो जी, अवतल हो, दोनों सतह कैसा हो, अवतल हो, जिसके दोनों सतह अवतल होंगे उसे द्वि अवतल कहते हैं। दोनों सतह कैसा अवतल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वि अवतल। जैसे देखिए ये पहला सतह अंदर की ओर धसा है, पहला सतह अंदर की ओर धसा है और इसके दूसरे सतह भी अंदर की ओर धसे हैं, इधर से भी अवतल और इधर से भी अवतल, तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कहते हैं द्वि अवतल लेंस। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, कंडीशन ये होता है, ध्यान से देखिएगा, कंडीशन ये होता है कि ये जो दोनों सतह हम लोग लिए हैं इसका यदि त्रिज्या, इसका यदि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इधर वाले का भी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल हैं, दोनों त्रिज्या समान है, तो उस सिचुएशन में जो ये अवतल लेंस बनेगा ये होगा सम द्वि अवतल। इसी से और एक कंडीशन और भी हो सकते हैं इसमें कि एक का 30 भी हो सकता है और एक का 20 भी, यानी भिन्न भिन्न भी हो सकता है। इसी में दो कंडीशन होते हैं द्वि अवतल के, दो कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन ये होता है कि दोनों सतहों का वक्रता त्रिज्या समान हो सकता है और दूसरा कंडीशन ये होता है कि एक का किसी का अधिक होगा तो किसी का कम हो सकता हो, किसका भी कम हो, इसका अधिक हो, इसका भी अधिक हो, इसका भी कम, माने दोनों डिफरेंस हो सकते हैं। ये किसमें होते हैं, द्वि अवतल में। तो इसका एकदम सिंपल डिफिनेशन है द्वि अवतल का कि अवतल प्लस अवतल, यही याद रखेंगे, वैसा लेंस जिसके दोनों सतह क्या हो भाई, अवतल हो, क्या हो जी, अवतल हो, वैसा लेंस जिसकी दोनों सतह अवतल हो उसे हम लोग द्वि अवतल लेंस कहते हैं, यानी अवतल प्लस अवतल। अब देखेंगे दूसरा है समतलावतल। यदि इसका भी हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, देखिए यहां इसका भी यदि हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा समतल, यहां ध्यान देंगे समतल प्लस अवतल, समतल प्लस अवतल, समतल प्लस अवतल, ध्यान से देखिएगा, यानी वैसा लेंस बनाइए जिसका पहला सतह कैसा हो, समतल हो, पहला सतह कैसा हो जी, समतल हो, यानी समतल इट मीन्स एकदम प्लेन, पहला सतह प्लेन और दूसरा सतह कैसा हो, अवतल, दूसरा सतह कैसा हो जी, दूसरा सतह कैसा हो, अवतल, यहां देखेंगे तो ये हो गया समतलावतल, समतलावतल, समतल प्लस अवतल। वैसे लेंस जिनकी पहली सतह समतल और दूसरा क्या हो जी, अवतल हो, यानी दोनों भिन्न भिन्न हो, तो इसे हम लोग कहते हैं समतलावतल। लेकिन बात आ गया जो लेंस का हम लोग डिफिनेशन लिखा रहे थे, आप लोग को बता रहे थे कि एक गोलीय और एक कैसा हो, समतल, एक गोलीय और एक समतल, एक गोलीय हो और एक समतल हो, तो यहां देखिए वही बातें आ गया, एक इधर का देखेंगे तो गोलीय है, अवतल है, गोलीय है और एक समतल है ना जी। तो ये जो होते हैं ये भी लेंस के एक पार्ट्स हैं और ये कौन से लेंस के हैं, अवतल लेंस के, जिसको कहते हैं समतलावतल। वैसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा अवतल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतलावतल लेंस। इसके बाद बारी आता है उत्तलावतल का, इसका भाई उत्तलावतल का, उत्तलावतल लेंस किसे कहते हैं, हाँ एक बात और जान लीजिए, ये जब समतल सतह हम लोग लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो भी सरफेस प्लेन होते हैं उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या और फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी जो होता है दोनों इन्फिनिटी होता है, तो एक के लिए इधर ये इन्फिनिटी हो जाएगा और इसका जो मान दिया हो 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो भी मान होंगे इसमें ये कंडीशंस होते हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा है उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस किसे कहेंगे, तो वैसा लेंस, उत्तलावतल का डिफिनेशन देखिए, वैसा लेंस जिसका एक सतह, अच्छा इसके पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं, संधि विच्छेद कर देंगे बाबू तो हो जाएगा उत्तल, उत्तल और प्लस में अवतल, उत्तल प्लस अवतल, उत्तल प्लस अवतल,
उत्तल यानी कहने का मतलब कि पहला वैसा सरफेस हो जो कैसा हो जी, उठा हुआ, उत्तल उत्तल ऐसे उत्तल उठा हुआ है। पहला सरफेस कैसा है जी, उत्तल है, उठा हुआ है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला सतह उत्तल है, उठा हुआ है, और दूसरा सतह जो है इसमें अवतल है। कैसा है? अवतल है। तो इसको हम लोग कहेंगे उत्तलावतल। इधर से देखेंगे, ये उत्तल और ये अवतल, ये अवतल, उत्तलावतल, उत्तल प्लस अवतल यानी उत्तलावतल। यानी वैसा लेंस जिसका पहला सतह उत्तल और दूसरा सतह अवतल हो, उसे हम लोग उत्तलावतल कहते हैं। हाँ जी, इसमें एक कंडीशन ये होता है कि दोनों जो सतह लिए हैं, चाहे उत्तल हो या अवतल, दोनों का वक्रता त्रिज्या जो होता है भिन्न भिन्न होता है, एक समान नहीं हो सकता, एक बराबर नहीं हो सकता। देखिए कैसे, मान लेते हैं इसका वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो इसका वक्रता त्रिज्या इसका अपेक्षा जो भी होगा भिन्न होगा, अलग होगा, 20 सेंटीमीटर, 15 से, दोनों 10 हो गए, दोनों एक ही जगह चला, जब दोनों एक ही जगह चला जाएगा तो इस प्रकार का लेंस निर्मित नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इनके जो दोनों सतह होते हैं, इसका वक्रता त्रिज्या जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ये है अवतल लेंस के प्रकार। इसके बाद बारी है उत्तल लेंस का। कौन से लेंस है? उत्तल लेंस। ध्यान से देखेंगे, पहले तो ये जान लीजिए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो वैसा लेंस जिसका किनारा जो हो पतला हो और बीच वाला भाग कैसा हो जी, मोटा हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? तीन प्रकार। आइए देखिए वो कौन कौन से प्रकार है। सेम ऐसा ही द्वि उत्तल जो लिखे हैं, द्वि अवतल जो लिखे ऐसे हो जाएगा द्वि उत्तल बाई कन्वेक्स। उसके बाद समतलावतल जो लिखते हैं ये हो जाएगा समतलोतल प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स समतलोतल। और तीसरा होता है अवतलोतल, अवतलोतल कनकेवो कनकेवो कन्वेक्स अवतलोतल। देखेंगे इसके भी तीन प्रकार, एक है द्वि उत्तल, दूसरा समतलोतल, तीसरा अवतलोतल। अब देखिए इसके भी चित्र बना बना कर दिखाते हैं। यदि द्वि उत्तल का हम लोग संधि विच्छेद कर दें, द्वि उत्तल का ये हो जाएगा, तो द्वि उत्तल दोनों सतह उत्तल हो, यानी उत्तल प्लस तल। ठीक है, उत्तल जैसे ये भी और बनाते हैं थोड़ा सा, देखिएगा उत्तल ये भी उठा हुआ है और दूसरा भी उत्तल, यानी ये भी उठा हुआ है, ये हो जाएगा द्वि उत्तल। क्या होगा जी? द्वि यानी वैसा लेंस जिसकी दोनों सतह तल हो या दोनों बाहर की ओर उठा हुआ हो, उसे हम लोग द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें भी दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन कि दोनों पृष्ठ यानी दोनों सतह जो है, यदि दोनों का त्रिज्या समान हो, इसका और फिर इसका, दोनों का रेडियस इक्वल वन इक्वल टू मानते हैं, दोनों इक्वल है, यानी आर वन जो है
इक्वल है किसके, आर टू के, तो चित्र इस प्रकार से बनेंगे, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि हो सकता है कि ए का त्रिज्या अधिक हो, ए का त्रिज्या क्या हो जी, अधिक हो, यानी यदि आर टू क्या है, बड़ा है। और इधर से एक और हम लोग लिए हैं, एक और लिए हैं, देखिए इधर से एक और, इसका रेडियस जो है कम है, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं आर वन। इस स्थिति में आर टू जो है बड़ा है किससे, आर वन से। इसमें दो कंडीशन होते हैं, यदि इक्वल होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं सम द्विउत्तल, और यदि इक्वल नहीं होंगे तो ये कंडीशन होगा। यहां जब जब इक्वल नहीं होंगे तो केवल इसको क्या बोलेंगे, केवल बोलेंगे द्विउत्तल, यानी इसमें समान नहीं है। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं, दूसरा समतल होता है। देखिए फिर बातें वही आ गया, समतल होता, यदि समतल इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा समतल प्लस उत्तल, समतल समतल प्लस उत्तल, समतल प्लस उत्तल। अब देखिए एक भाग समतल, पहला भाग कैसा है समतल, और दूसरा कैसा है जी उत्तल, उत्तल यानी बाहर के उठा होना चाहिए। तो बाहर के जब उठाकर बनाएंगे तो चित्र ऐसे बनेगा, आधी चांद के आकार का, चांद के आकार का बनेगा ये। तो यहां देखेंगे ये जो होगा कौन सा लेंस होगा, समतल उत्तल, यानी वैसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल हो उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें भी दो कंडीशन, यदि यह एक दर्प सॉरी यह एक समतल सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा यानी वक्रता त्रिज्या जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसका कुछ परिमाण मान लेंगे, तो इसमें अधिक और कम की बात नहीं होती है। अब आगे देखेंगे अवतल उत्तल, कहने देखिए यहां दो कंडीशन है, एक अवतल इसका संधि विच्छेद भी करते हैं, एक कंडीशन जो होगा ऐसे होगा अवतल, ध्यान से देखिएगा अवतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल। अब जब हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद कर दिए सॉरी, अवतल प्लस उत्तल, अब संधि विच्छेद करके चित्र बना लेते हैं, अवतल कैसा है जी अवतल, अवतल यानी अंदर की ओर धसा हुआ है ऐसे, और दूसरा उत्तल जो बाहर की ओर उठा हुआ है ऐसे। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कहते हैं अवतल उत्तल लेंस। तो चलिए सबसे पहले जितना ये समझाए हैं इसको एक बार हम आप लोगों को लिखा देते हैं, हेडिंग डालिए लेंस। देखिए यदि हम जल्दी जल्दी बोल के लिखा रहे हो तो आप वीडियो स्लो करके या रोक करके आसानी से लिख सकते हैं, और जहां तक आप लोग पढ़े हैं संभवतः लॉकडाउन यदि जल्दी समाप्त होता है तो हो सकता हो कि इस पॉइंट को क्लास में पढ़ाया जाए, और यदि लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा जल्द तो इस पॉइंट को यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद इसको पुनः क्लास में पढ़ाया नहीं जाएगा, आप लोग देखेंगे। पहले चलते हैं हम लेंस, लेंस किसे कहते हैं, आप लोग हेडिंग डालेंगे लेंस, लिखिए लेंस, लिखाते हैं, लिखिए लेंस, बोले तैयार है ना, कॉपी कलम निकाल कर तैयार जी। और देखिए किन्हीं दो गोलिये, किन्हीं दो गोलिये, किन्हीं दो गोलिये अथवा 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 एक गोलिये, अथवा एक गोलिये, एक गोलिये और एक समतल, एक गोलिये और एक समतल सतहों से घिरे, सतहों से घिरे समांगी 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 पारदर्शी माध्यम को, समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं, हो गया। उसके बाद नीचे निकलिए, लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस के प्रकार, हो गया। और लिखिए
लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। हो गया, पहला लिखे नंबर एक अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। और अवतल लेंस में लिखेगा डैश, देखिए लिखे लिखिए वैसा लेंस जो किनारे पर मोटा, जो किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे अवतल लेंस कहते हैं। जैसे ये चित्र देख लीजिए, अवतल लेंस कहते हैं। हो गया, आगे देखिए अवतल लेंस के प्रकार। हेडिंग डालिएगा अवतल लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के प्रकार। और लिखिएगा नीचे लिखिए अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक लिखिए द्वि अवतल, द्वि अवतल बाई, द्वि अवतल बाई कनकेव लेंस भी लिख सकते हैं। द्वि अवतल लेंस बाई कनकेव लेंस। हो गया, दूसरा लिखिए सॉरी समतलावतल, समतलावतल प्लेनो कनकेव। और तीसरा लिखिए उत्तलावतल, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तीनों हेडिंग डालिए द्वि अवतल समतलावतल उत्तलावतल। हो गया, अब इसमें आप पहला द्वि अवतल लिख के डैश दीजिए, पहला लिख के डैश दीजिए, पहला लिख के डैश दीजिए। हो गया, और सुनिए द्वि अवतल लिख के डैश देंगे। और हम लोग जानते हैं कि वैसा लेंस जिसका दोनों सतह, ऐसा हो जी अवतल, द्वि अवतल का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अवतल प्लस अवतल, यानी द्वि माने दो, दोनों सतह, अवतल अवतल और अवतल लिखेगा। वैसा लेंस जिसकी दोनों सतह, जिसकी दोनों सतह अवतल हो, ऐसा हो जी अवतल हो, अवतल हो। वैसा लेंस जिसका दोनों सतह अवतल हो उसे 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 द्वि अवतल लेंस कहते हैं। उसे द्वि अवतल लेंस कहते हैं, द्वि अवतल लेंस कहते हैं। और हो गया, हो चित्र बनाइए।
चित्र बनाकर नीचे लिख देंगे अवतल प्लस अवतल। चित्र बनाइए। और चित्र बना लिए होंगे तो नीचे नोट में लिख लीजिएगा। नोट में लिखे देखिए, द्वि अवतल लेंस नोट में लिखेगा। द्वि अवतल लेंस के दोनों सतहों का वक्रता त्रिज्या समान भी होता है। एक समान एक जैसा समान भी होता है तथा तथा भिन्न भिन्न भी होता है। समान भी होता है तथा भिन्न भिन्न भी होता है। हो गया। उसके बाद इनके अलावा दूसरा प्रकार देखेंगे, समतलावतल। यदि समतलावतल का हम लोग संधि विच्छेद की जस्ट बताए हैं तो हो जाएगा समतल, समतल प्लस अवतल, समतल प्लस अवतल। यानी वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल और दूसरा कैसा हो जी अवतल हो, उसे हम लोग समतलावतल लेंस कहते हैं। लिख लीजिए डेफिनेशन, वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल तथा दूसरा अवतल हो, उसे हम लोग समतलावतल, लेंस कहते हैं, समतलावतल लेंस कहते हैं। चित्र बनाइए, इसके चीज लिख दीजिएगा समतल प्लस अवतल। जल्दी बनाइए। इसके बाद तीसरा देखिए, उतलावतल। उतलावतल का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो ये हो जाएगा उत्तल प्लस अवतल। यानी एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल, एक उत्तल हो और दूसरा अवतल हो, तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं जी, उत्तलावतल। जैसे एक उत्तल ऐसे बाहर से बाहर के उठा हुआ और दूसरा अवतल ऐसे अंदर के धसा हुआ, इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे, उत्तलावतल लेंस। तो लिखिएगा वैसा लेंस, तीसरा लिखिए उत्तलावतल में, वैसा लेंस जिसका एक सतह उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं, ये देखिए केवल इसके बारे में बता रहे हैं। चित्र बना लीजिए, चित्र बने, केवल बारे में बता रहे हैं, यहाँ केवल लैंग्वेज वाली बात। इसमें एक से एक आंकिक प्रश्न है, एक से एक चित्र बना करके आपको बताया जाएगा, जल में रखेंगे कैसे रखेंगे, किसके त्रिज्या में परिवर्तन होता है, कैसे फोकस में परिवर्तन, बहुत सारे पॉइंट है इसमें, और एक से एक आंकिक प्रश्न भी बनाएंगे हम लोग, एयरफोर्स से लेकर नेवी वगैरह अनेक प्रकार के आंकिक प्रश्न बनेगा। पहले इसको बना लीजिए चित्र को, और यहाँ जो है अवतल के प्रकार समाप्त हो गए, अवतल के प्रकार समाप्त हो गया। आगे बढ़िए, दूसरा प्रकार लेंस का जो है वो कौन सा है जी, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। हेडिंग डालिए दूसरा उत्तल लेंस, दूसरा लिखिए उत्तल लेंस लिखिए। कॉन्वेक्स लेंस, और इसका डिफिनेशन एकदम इजी, एकदम आसान है कि वैसा लेंस, लिखिए डिफिनेशन में,
वैसा लेंस जो किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। किनारे पतला है और बीच में मोटा है, क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। उसके बाद हेडिंग डालिए, चित्र बना लेंगे उत्तल लेंस का। उसके बाद हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के प्रकार। क्लियर? क्लियर? हेडिंग डालिए और उसके नीचे लिखिएगा उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं भाई? तीन। तीन प्रकार के होते हैं, हो गया। नंबर एक लिखिए, पहला द्वि उत्तल, द्वि उत्तल बाय कन्वेक्स, द्वि उत्तल। दूसरा होता है समतलोतल, समतलोतल प्लेनो कॉन्वेक्स। और तीसरा होता है अवतलोतल, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब आप नंबर एक लिख डैश देंगे द्वि उत्तल, द्वि उत्तल लिख डैश दीजिए, द्वि उत्तल लिख डैश दीजिए। और लिखिए वैसा लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो, जिसका दोनों सतह कैसा हो जी? उत्तल हो, उसे द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। और चित्र बनाकर इसके नीचे लिख दीजिएगा उत्तल प्लस उत्तल, उत्तल प्लस उत्तल, उत्तल प्लस उत्तल, हो गया। देखिए इस चित्र के नीचे नोट लिखिएगा, नोट, नोट में लिखिए द्वि उत्तल लेंस के, द्वि उत्तल लेंस के, द्वि उत्तल लेंस के दोनों, द्वि उत्तल लेंस के दोनों सतहों का वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या समान भी होता है, समान भी होता है तथा तथा भिन्न भिन्न भी होता है, समान भी होता है तथा भिन्न भिन्न भी होता है, हो गया। समान भी होता है तथा भिन्न भिन्न भी होता है। देखिए यदि जल्दी जल्दी मैं आपका कहीं छूट जा रहा हो तो आप वीडियो को स्लो कर लेंगे, YouTube में ऐसा सिस्टम देता है स्लो करने का, या फिर इनके अलावा तुरंत रोक दीजिए, वहां लिख लीजिए, फिर बढ़िए आगे। देखिए एकदम क्लास जैसे चलता है वैसे हम आप लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि समझा दिए हो गया कहानी खत्म, नहीं, आप फेयर करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन कब खत्म होगा कोई जानता नहीं है, इसलिए आप लोग यहां से ऑनलाइन क्लास कीजिए, पूरे फेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। हाँ जी, यदि समझ में नहीं आ रहा हो कॉमेंट कीजिए, इनके अलावा और भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कीजिए, दिखाइए कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पे फिर से समझाइए आप, हम आपको बता देंगे। आपके लिए सारे ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध है, बट पढ़ना आपको है, मंजिल
पर जाना है, मंजिल छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा है अवतल उत्तल। देखिए जल्दी जल्दी, यदि इसको हम लोग संधि विच्छेद कर दें तो हो जाएगा अवतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल, यानी वैसा लेंस जिसका एक सतह अवतल हो। एक सतह कैसा हो जी? अवतल, अंदर की धसा हुआ, और दूसरा उत्तल यानी बाहर की उठा हुआ। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल। प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लोतल लेंस, यानी अवतल प्लस उत्तल, वैसा लेंस जिसका एक सतह अवतल और दूसरा उत्तल हो, उसे हम लोग अवतल लोतल लेंस कहते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया लेंस के केवल बारे में। लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब भाई एक छोटा सा पॉइंट हम लोग जान लेते हैं यहीं पर कि आखिर इस लेंस का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, लेंस का कहाँ यूज किया जाता है। तो लेंस का उपयोग जो है सूक्ष्मदर्शी, लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र है जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु, एकदम छोटे से छोटे वस्तुओं को, जिसको हम लोग अपने नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, दूरदर्शी में दूरबीन, जिससे दूर के वस्तु को देखना हो दूरबीन, उसमें भी किसका उपयोग करते हैं? लेंस का उपयोग दूरबीन में किया जाता है। दूसरा, लेंस का उपयोग दृष्टि यानी किसी वस्तु को देखने के लिए नेत्र का क्षमता बढ़ाना हो, उसके लिए भी इस लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लेंस का उपयोग फोटोग्राफी करना हो, जैसे फोटो कैमरा वगैरह करना हो, यानी कैमरा में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद जस्ट आपका हेडिंग ये होना चाहिए, लेंस का उपयोग। हेडिंग डालिए झटपट में, लेंस का उपयोग, यूज ऑफ लेंस। और आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है, देखने के लिए नेत्र का क्षमता बढ़ाने में किया जाता है, इसके अलावा इसका उपयोग फोटो कैमरा में किया जाता है, बहुत सारे इसके यूज है, आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको आप लोग देख लिए। अब इसके बाद देखिएगा, यदि लेंस को हम लोग द्रव में डुबाते हैं तो क्या क्या होता है। लेंस को द्रव में डुबाया जाए तो क्या होगा? एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नोट कीजिए, लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है या कैसे परिवर्तन होता है। आइए देखिए, चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। इसमें तीन कंडीशन होगा, यानी स्थिति जो होगा इसके तीन होंगे। स्थिति नंबर फर्स्ट, पहला स्थिति देखिए, ये देखिए, मान लेते हैं कि एक पात्र है, बर्तन, हम लोग क्या किए कि इसमें द्रव भर दिए, लिक्विड भर दिए, द्रव भर दिए, द्रव 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 पूरा द्रव भर दिए। अब आइए, इसमें एक लेंस लाकर डुबा रहे हैं, ये एक लेंस है, इसमें डुबा दिया गया। चलिए ध्यान से देखिए, ये लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, जिसका पर्तनांक हम लोग मान लेते हैं 1.33, और ये कांच है, कांच का बना लेंस है, इसका पर्तनांक हम लोग मान लेते हैं 1.5। आप देखेंगे ये लिक्विड है,
इस लिक्विड का, लिक्विड को एल मान लेते हैं, लिक्विड का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना दे भाई? 1.33। यानी जिसमें डुबाए हैं, जिसमें उसका अपवर्तनांक कितना है? 1.33। लेंस जिस कांच का बना है, ग्लास का बना है, ग्लास को हम लोग मान लेते हैं जी, आ उसके बाद म्यू, आ उसके बाद फिर ए, ए यानी ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, ग्लास कांच का अपवर्तनांक जो है हवा के सापेक्ष कितना है? 1.5। अब आप दोनों को देखेंगे और देख के बताइए कौन अधिक है और कौन कम है। तो स्थिति ऐसा आ गया कि लेंस का अपवर्तनांक जो है कांच या सॉरी द्रव के अपवर्तनांक की अपेक्षा अधिक है, तो होगा क्या? ये अधिक है यानी ग्लास का अपवर्तनांक जो है हवा की सापेक्ष, ग्लास का अपवर्तनांक जो है हवा की सापेक्ष अधिक है। किससे अधिक है? तो लिक्विड के अपवर्तनांक हवा के यानी द्रव के अपवर्तनांक हवा के, द्रव का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष जो दिया गया है उससे ये अधिक है। इस स्थिति में इस लेंस का जो हवा में फोकस दूरी, यानी बाहर मान लेते हैं कि यदि इसका फोकस दूरी हवा में, इसी लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर था, द्रव में डुबाते ही बढ़ जाएगा। यानी द्रव में डुबाए हैं, लिक्विड में फोकस दूरी एफ एल, एल जो है लिक्विड है, लिक्विड में जो फोकस दूरी होगा वो अधिक होगा किसके अपेक्षा? तो बाहर जो इसका फोकस दूरी था, यानी हवा में जो फोकस दूरी था उसके अपेक्षा। साथ ही साथ इस स्थिति में लेंस का जो प्रकृति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेंस का प्रकृति नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा पहला स्थिति होता है, यानी लेंस को द्रव में, जिस द्रव में हम लोग डुबा रहे हैं, स्थिति नंबर एक में लिखेंगे कि लेंस को जिस द्रव में डुबाया जाए उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक की अपेक्षा कम हो, उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक की अपेक्षा कम हो, तो उस स्थिति में लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है और उसकी प्राकृतिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला स्थिति है। इसके बाद दूसरा स्थिति, देखिए इसको मिटा रहे हैं, दूसरा स्थिति मिटा रहे लिखने के बाद चित्र बना करके, और ये सारा सी चीज आप लोग उतार लेंगे। स्थिति नंबर एक में कैसे लिखेंगे इसको सुन लीजिए पुनः एक बार, और इसमें लिखिएगा पहला स्थिति में कि लेंस लेंस को जिस द्रव में डुबाया जाए उसका अपवर्तनांक, जिस द्रव में डुबाया जाए उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक की अपेक्षा कम हो, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा और लेंस की प्राकृतिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वीडियो स्लो करके लिख लेंगे, चित्र भी बना लेंगे और इसको उतार भी लेंगे। जल्दी कीजिए। इसके बाद दूसरा स्थिति, दूसरा कंडीशंस देखिए। स्थिति नंबर दो, दूसरा स्थिति क्या है? दूसरा स्थिति है कि फिर से देखेंगे, एक पात्र ले लिए बर्तन, इसमें हम लोग टीनी नीनी 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 टीनी नीनी द्रव भर दिए, लिक्विड भर दिए, लिक्विड भर दिए हैं। और देखिए इसमें हम लोग क्या किए कि एक लेंस लाए इसमें डुबा दिए, एक लेंस डुबा दिए, चलिए भाई लेंस ये डूब गया। ये जो लिक्विड है इसका भी अपवर्तनांक मान लेते हैं 1.5, और ये लेंस जो है इसका भी अपवर्तनांक 1.5। अब स्थिति ये आ गया कि डुबाए गए द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो,
तो क्या होगा? ये लिक्विड है, तो देखिए लिक्विड का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना मान लेते हैं, 1.5 माना गया, मान लेते हैं 1.5। और ये ग्लास का भी अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 1.5, दोनों को देखिए दोनों इक्वल है, यानी लिक्विड का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष बराबर होगा ग्लास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, यानी एयर के सापेक्ष। अब चलिए दोनों इक्वल होंगे, जब दोनों इक्वल होंगे तो लेंस को जिस लिक्विड में डुबाए हैं, जिस द्रव में डुबाए हैं, डूबे स्थिति में इसका फोकस दूरी जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा? इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब जब फोकस दूरी इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये लेंस समतल प्लेट के भांति, समतल प्लेट के भांति व्यवहार करेगा। ये जो है समतल प्लेट के भांति व्यवहार करेगा, यानी ये लेंस इसी में ब्लीन हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो दूसरा स्थिति में लिखेंगे कि लेंस का अपवर्तनांक डुबाए गए द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस का फोकस दूरी अनंत हो जाएगा और वह लेंस समतल प्लेट के जैसा व्यवहार करेगा, अर्थात उसी में विलीन हो जाएगा। ओके, चित्र समेत इसको बना लेंगे। तीसरा एक लास्ट कंडीशन बताते हैं, तीसरा स्थिति देखेंगे। स्थिति नंबर तीन, स्थिति तीसरा देखिए, कह रहा है कि अब हम लोग जिस द्रव में डूबा रहे हैं उस द्रव का अपवर्तनांक अधिक है। जैसे सिन्हा नमक ले लीजिए, 1.0 लिक्विड स्थिति में है, द्रवित अवस्था में सेना नामक, इसका मान कितना, इसका अपवर्तनांक कितना, 1.54। अब चलिए एक लेंस लाके इसमें डुबा रहे हैं, ये एक लेंस है भाई, लेंस है, लेंस है, इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5। दोनों में अंतर देखिए, यहां देखिए तो ये लिक्विड का, लिक्विड का अपवर्तनांक, लिक्विड का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना है, तो 1.54। उसके बाद ये ग्लास से निर्मित जो लेंस है इसका अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना भी, 1.5। अब दोनों में डिफरेंस करेंगे, जैसे दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो ये अधिक होगा, ये क्या होगा जी, अधिक होगा, यानी लिक्विड का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष जो है इनसे अधिक होगा, कम तो ग्लास, सॉरी कम होगा, कम है इसे, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसमें ये अधिक है, यानी ये लिक्विड का, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो द्रव में डुबाए हैं उससे द्रव का अपवर्तनांक 1.54 और ग्लास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 1.5। इस स्थिति में ये जो है कम है और ये जो है अधिक है, ये कम है और ये अधिक है। अब देखिए होगा क्या कि लिक्विड का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष अधिक होगा ग्लास के अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष के अपेक्षा। इस स्थिति में F यानी फोकस जो होगा लिक्विड में वो बड़ा होगा, यदि वही लेंस हवा में रखे गए हो उस स्थिति में जो फोकस होंगे उनके अपेक्षा। और साथ ही साथ जैसे ही इस लेंस को इसमें डुबाएंगे इसका प्राकृतिक जो है चेंज हो जाएगा, यानी उत्तल जो है बन जाएगा अवतल, प्रकृति बदल जाएगा, प्रकृति जो है इसका बदल जाएगा, प्रकृति बदल जाएगा।
तो ये सिचुएशन है। यही कारण है कि वायु का बुलबुला जो है द्रव में अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है, उत्तल लेंस के नहीं। वो गोल होते हुए भी, वायु का बुलबुला गोल होगा, गोल होते हुए भी कैसा व्यवहार करेगा, ऐसे नजर आएगा उत्तल, क्योंकि वो गोल है लेकिन हवा का पर्तनांक जो है कम है, किससे, तो द्रव में डुबा रहे द्रव से, आज जब कम है तो वो गोल जो बूंद होगा वो गोल यानी उत्तल लेंस के ऐसा नहीं दिखा रहे, कैसे दिखा देगा जी, अवतल लेंस के जैसा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, कल आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इस लेंस के पॉइंट लेंस से संबंधित जितने परिभाषा हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न, और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट लेंस मेकर फार्मूला या लेंस निर्मात्री सूत्र भी जिसको कहते हैं, लेंस निर्माण करने वाला जो फार्मूला है लेंस मेकर सूत्र, इसको कल साबित किया जाएगा। और सेम समय प्रत्येक दिन संध्या 7 बजे से हम लोग यहाँ YouTube चैनल पर जो है प्रत्येक दिन क्लास ऑनलाइन चल रहा है। आपका ये वर्क है कि आप तो जुड़ गए तो ठीक है, इसको देखिए, लेकिन यदि आपके कोई सहपाठी मित्र नहीं जुड़े हों तो उनको भी इन्फॉर्मेशन दे दी, ये वीडियो उन तक भी शेयर कर दे ताकि वे आसानी से देख सके और आपके जैसा वो भी इस क्लास को अटेंड कर सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।